हेलो फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका डिप्लोमा लेक्चरर का वैकेंसी है टेक्निकल पोस्ट के लिए, वो आ चुका है। इसमें पूरे हम लोग डिस्कस करेंगे कितने वैकेंसी है, किस किस डिपार्टमेंट में दी गई है, कौन कौन से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम है इनकी कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, सारा डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मूव करते हैं हम। तो ये जो है एग्ज़ाम का, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो दिया गया है 15/9 से, मतलब आज से ये फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो लास्ट डेट दिया है इसका जो अप्लाई करने का, वो दिया है आपको 12/10 दिया है, मतलब 12 अगस्त तक आप इसको लास्ट डेट दिया है, वहाँ तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और रखिएगा, जो फ़ी पेमेंट का है ना, वो ऑनलाइन सबमिशन है वो 15/10 तक आपको लास्ट डेट है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया मेन इंपॉर्टेंट डेट, कब से करना है तो 15 सितंबर से करना है और 12 तारीख तक आपको बैंक का जो भी फीस पेमेंट कर देना है। उसके बाद सबमिशन जो होगा, फाइनल सबमिशन होगा, वो 15 से पहले कर देना है, 15 अक्टूबर से पहले फ्रेंड्स। इसमें बात किया जाए तो ये यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है आपको, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, और ये सारे एप्लीकेशन का अप्लाई करने का है। अब बात करें इसमें कितने पैसे लगेंगे आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए इन्होंने बताया है कितने कितने पैसे लगेंगे। तो उसकी बात किया जाए तो जनरल में जैसे आपने अभी UPSC AE का भरा होगा वैसा ही पैसा इसमें भी लगेगा, 200 रुपये एग्जामिनेशन फीस है और प्लस 25 रुपीज़ इनका खुद का चार्ज लगेगा। तो टोटल मिला के क्या किया जाए तो 225 लगेगा। किसके लिए? तो EWS और अनरिजर्व के लिए लगेगा ये, और OBC भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात किया जाए तो इनका है 105 रुपीज़ टोटल लगेगा, फिर हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है 25 रुपीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपीज़ लगेगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद बात किया जाए कि इसमें इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं आप फॉर्म को। यहाँ पर आपका पोस्ट दिया है कितने नंबर वैकेंसी हैं यहाँ पर, तो अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर पहला जो है वैकेंसी है वो दिया है 1 में, प्रिंसिपल का दिया है। इसमें टोटल जो है 13 वैकेंसी आई हुई है ना फ्रेंड्स। इसमें UR का जो है 5 है आपका। इसके बात करें अगर लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांच की, क्या बात करें, लेक्चरर और इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं फ्रेंड्स। ये अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। अगर बात किया जाए आपका मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो 238 पोस्ट आपका मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए आपका कितना है तो 213 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर अनरिजर्व की बात करें तो 81 है इसमें इलेक्ट्रिकल में और 93 है आपका किस में, मैकेनिकल में। और सिविल की बात किया जाए तो इसमें 125 सिविल का है, लेक्चरर का पोस्ट है। अनरिजर्व की बात करें तो 43 है आपका, 43 आपका अनरिजर्व का है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 145 है, केमिकल इंजीनियरिंग 47 है, कंप्यूटर 132 है, और फिर पेंट की बात करें तो पेंट टेक्नोलॉजी में आपका 11 है। फिर टेक्सटाइल की बात किया जाए तो टेक्सटाइल में आपका 36 है। फिर टेक्सटाइल डिजाइन में 5 है आपका। फिर आपका आएगा टेक्सटाइल डिजाइन एंड प्रिंटिंग की बात किया जाए तो इसमें आपका 8 है पोस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद बात किया जाए लेदर टेक्नोलॉजी में 6 पोस्ट हैं आपके, प्लास्टिक मोड टेक्नोलॉजी में 2 है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है विथ इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिमेन 1 पोस्ट है यहाँ पे, फिर डेयरी इंजीनियरिंग में 7 है, आर्किटेक्चर में आपका 1 पोस्ट है, ऑटो इंजीनियरिंग में आपका 5 पोस्ट है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में है आपका 3 पोस्ट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट है, फार्मेसी में 25 पोस्ट है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 5 पोस्ट है आपका, फिर है आपका इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन में 3 पोस्ट है फ्रेंड्स। इसके बाद बात किया जाए तो आपका यहाँ पे इंटीरियर के बाद आपका आ जाएगा कौन सा फ्रेंड्स, फुटवेयर की बात करें फुटवेयर टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट है, फिर आपका केमिकल रबर प्लास्टिक में 1 पोस्ट है। अगर बात किया जाए नॉन इंजीनियरिंग की, नॉन इंजीनियरिंग तीसरा जो है इसमें बात किया जाए तो इसमें आपका फिजिक्स में आपका 57 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 48, इंग्लिश में 50 है आपका, मैथमेटिक्स में 60 है। फिर आपका वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो इसमें आपका 16 पोस्ट है फ्रेंड्स। और लास्ट है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की बात की जाए तो 87 पोस्ट है आपका, टोटल मिला के 1370 पोस्ट है, और जिसमें UR के लिए 523 पोस्ट है, और फिर यहाँ पे इधर अलग कैटेगरी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सब। बात की जाए तो इसमें रिजर्वेशन की बात की तो रिजर्वेशन जो है UP के डोमिसाइल वालों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी अपने रिस्पेक्टिव जो भी कास्ट होंगे उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं अपना
तो मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि क्या इनमें क्वालिफिकेशन है। जैसे प्रिंसिपल के लिए है ना, आपको प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, आपको पीएचडी होना चाहिए। प्रिंसिपल के क्या दिया गया, पीएचडी फर्स्ट क्लास आइदर बैचलर या मास्टर लेवल होना चाहिए, आपको पीएचडी चाहिए। और बात की जाए इसमें लेक्चरर की बात करते हैं, इंजीनियरिंग में जो है लेक्चरर इंजीनियरिंग में टेक्निकल की बात करें तो आपको जो कुछ नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको बीटेक और बीएससी इन रिलेवेंट फील्ड चाहिए, है ना। जिसमें मान लेते हैं आप सिविल से हैं तो सिविल में चाहिए आपको बीटेक का डिग्री, और इसमें ये आपका पे ग्रेड दिया हुआ है 57,700 एंट्री पे है और लेवल 10 के अकॉर्डिंग होगा ये आपका। उसके बाद किया जाए फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन की बात किया जाए तो बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन है ना फ्रेंड्स, इनोवेटेड इन द लिस्ट ऑफ इतना विद द फर्स्ट क्लास इन आइदर टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन के टाइम आपको इनमें से आइदर टू बोला गया है, ठीक है। आइदर टू मतलब ये हो मास्टर हो या बैचलर हो, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, सिविल के लिए भी आपका एकदम सेम बताया गया है आपको कि आपको बीटेक रहना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद और कुछ इसमें नहीं दिया गया है, आपके पास मास्टर है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसमें एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर का सेम, सबका सेम ही है फ्रेंड्स। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। एक और चीज़ उन्होंने बताया फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेड के बारे में बात की, जो मिनिमम ग्रेड होगा ना आपका बी में वो सीजीपीए में है आपका तो 6.25 होना चाहिए और इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा आपका 55%। और फिर यहाँ पे ग्रेड पॉइंट अलग अलग बताया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं उसके इक्विवेलेंट कितना परसेंट आपका इसमें इनको चाहिए, इतना परसेंटेज होना इनका रिक्वायरमेंट है इनको है ना। फिर क्या बोल रहा है इन्होंने, एज बताया है, एज कितने एज ग्रुप वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने एज का दिया हुआ है 35 से ये दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट है मस्ट अटेंड द एज ऑफ 35, ठीक है, मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 एंड मस्ट हैव नॉट क्रॉस द एज ऑफ 50, ठीक है। यहाँ पे फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बोला है 35 उनका एज होना चाहिए और 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और टेक्निकल की बात किया जाए तो इसमें इन्होंने जो एज बताया है वो 21 ईयर्स बोला है और 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे अपर जो आप अगर यूपी के हैं तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारा उन्होंने दिया हुआ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर कैंडिडेट के लिए, क्या क्या इनको चाहिए होगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बस डिस्कस कर दे रहा हूँ। रेस्ट आपको अगर डिटेल में इसको देखना होगा तो आप मेरे चले जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स इसको बोला गया ऑनलाइन सबमिशन करना है आपको, कितने स्टेज में ये फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारे यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिया गया क्या क्या किस किस क्वालिटी में आपको पिक्चर क्वालिटी होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए फोटो का, ये सारा यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज क्या दिया गया है, सारा चीज़ दिया गया कि अगर किसी के लिए आप मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहीं पे काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ में कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसका रिजर्वेशन लेने के लिए आप ये फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद बात किया जाए, अब बात करते हैं इसमें कितना क्या क्या एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट होगा उसके लिए आपको क्या होगा, दो पेपर होंगे, पेपर वन होगा पेपर टू होगा। इसमें फर्स्ट में आपका सामान्य हिंदी होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे तो 75 नंबर के। फिर 300 आपके पेपर होंगे किसके लिए, सामान्य अध्ययन के लिए, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें भी दूसरा पेपर होगा 125 का क्वेश्चन होंगे टोटल और 3 इसमें अंक होंगे, पूरा मिलाकर 375 पेपर होंगे ये, मतलब ये अढ़ाई घंटे का होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल की, टेक्निकल की बात करें तो इसमें देख लीजिए पहले, इसमें भी जो है ना प्रिंसिपल में है 375 और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा तो 850 नंबर चाहिए होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए, इसमें जो भी जिसका अच्छा आता है वो होगा। चलिए ये सब छोड़ के हम लोग बात करते हैं टेक्निकल का, टेक्निकल में बात करें जो टेक्निकल के लिए तो उसमें क्या इनको रिक्वायरमेंट है, जो भी यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच दे दिए गए हैं तो इन्होंने बोला है टेक्निकल में हिंदी होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के एक होंगे, तो मतलब 75 नंबर के आपके क्या होंगे, सामान्य हिंदी, मतलब जो यूपीपीएससी एई का है ना सिलेबस वही एकदम सारा चीज़ इन्होंने दिया हुआ, वही फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे और 300 नंबर के होंगे, 375 नंबर का, ढाई घंटे का टाइम मिलेगा आपको ये सॉल्व करने के लिए, पेपर वन हो जाएगा, पार्ट वन हो गया पेपर वन का। फिर द्वितीय बात करोगे पेपर टू अगर बात करोगे तो उसमें सामान्य अध्ययन होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 75 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे आपके। और फिर बात करोगे 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के ये होंगे, 375 ये आपका होगा टोटल, ढाई घंटे लगेंगे आपको, है ना। फिर उसके बाद किया जाए तो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि आपको जो है वो 375 दो पेपर का हो गया और 100 नंबर इंटरव्यू का, मतलब 850 नंबर का इनका पेपर होगा टोटल, इसमें से जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे वो कटअप क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। सो और बात किया जाए इसमें
यहाँ पे दिया गया है पुस्तकालय हेतु, मतलब कि पुस्तकालय मतलब कि जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके लिए क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि उनके लिए इन्होंने बोला है 25 नंबर का हिंदी होगा, फिर 100 नंबर का आपका इनका मुख्य जो भी विषय होगा उसका परीक्षा होगा, और फिर यहाँ पे फिर 25 नंबर का ये आपका हिंदी वो सामान्य अध्ययन का लेंगे GS जिसको बोलते हैं, फिर मुख्य विषय का परीक्षा लेंगे 100 नंबर का, इनका भी सेम एकदम दिया हुआ है। सिलेबस जो होगा ना सून अपडेट कर देंगे ये लोग, अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर फ्रेंड्स। तो ये था आपका, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है, मैं बोलता हूँ आप लोग इसकी प्रिपरेशन की, जैसे UPSC यही का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी प्रकार से इसको भी लग जाइए, फॉर्म भरिए, आप लोग जल्दी ही फॉर्म भर दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए फ्रेंड्स। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।